मैं देखूं तेरी फोटो सौ सौ बार कुड़े। वेलकम बैक एडिटर्स, आ चुका हूँ एक और नया वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर। दोस्तों जैसे कि आपने प्री वीडियो में देखा वैसे हम आज के वीडियो में ट्रेंडिंग ड्यूअल कलर स्टेटस एडिटिंग अलाइट मोशन एप्लीकेशन में कैसे कर सकते हैं इसका ट्यूटोरियल मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अट्रैक्टिव वीडियो है, इसे आप अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल अवेलेबल कर दीजिए। तो दोस्तों स्टेटस बनने के लिए आपको अलाइट मोशन एप्लीकेशन ओपन कर देना है। अगर आपके पास अलाइट मोशन एप्लीकेशन का प्रो वर्जन नहीं है तो उसके डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, एडिट वाले सिंबल पे क्लिक करके रेजोल्यूशन 1080x2340 रेजोल्यूशन सेलेक्ट करके फ्रेम रेट 60fps और बैकग्राउंड ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट कर देना है। एक करने के बाद आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, ऑडियो में जाना है और आप जिस भी सॉन्ग पर स्टेटस बनना चाहते उस सॉन्ग को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। दोस्तों कौन सा भी सॉन्ग हो, आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते उस सॉन्ग को आपको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपको बैक आना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है और व्यू ऑल में जाकर जिस भी इमेज पर आप स्टेटस बनना चाहते हैं उस इमेज को आपको सिलेक्ट करके ऐड कर देना है। तो ऐड करने के बाद यहाँ पर थ्री डॉट मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है और उसे फिल स्क्रीन कर दीजिए। ये करने के बाद दोस्तों आपको एंड में जाना है, जो यहाँ पर हमारा MP3 सॉन्ग एंड होता है वहाँ तक जाने के बाद इस बटन पे क्लिक करके आपको पूरे स्टेटस में इस वाले इमेज को ऐड कर देना है। एक करने के बाद स्टार्टिंग पोजीशन में आना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है और तीन नंबर पे ऑप्शन पे क्लिक करके आपको इस तरह से इस इमेज को जूम कर देना है ताकि हम फुल स्क्रीन HD स्टेटस बना सके। एक करने के बाद दोस्तों आपको एक नंबर वाले ऑप्शन पे फिर से एक बार क्लिक करना है और इस तरह से इस इमेज को मूव करते रहना है स्टार्टिंग पोजीशन में, जहाँ पर भी आप ये इमेज स्टार्ट करना चाहते हैं अपने स्टेटस में वहाँ तक आ जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो प्लस वाला आइकन दिखा रहा है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है मिडल में, इमेज के मिडल में 10 या 15 सेकंड के बीच में जाए आप आ जाइए। उसके बाद आपको इस तरह से मूव करते रहना है इस इमेज को, लेफ्ट से राइट तक इमेज को मूव करते रहना है इस तरह से। तो ये करने के बाद आपको फिर से एक बार एंड में जाना है इस इमेज के एंड में और फिर से एक बार इसको स्वाइप करते रहना है। तो इस तरह से स्वाइप करने के बाद दोस्तों ये मूव होने लगेगा। मूव होने के बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर प्लस वाला, उस पर क्लिक करना है और डुप्लीकेट लेयर कर दीजिए। और जो भी डुप्लीकेट लेयर किए हैं अपने तो ये वाले लेयर पे क्लिक करके आपको इफेक्ट्स में जाना है, ऐड इफेक्ट में जाकर कलर एंड लाइट में जाना है और नीचे देखना है एक इफेक्ट मिल जाएगा आपको सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस। तो उस वाले इफेक्ट पे क्लिक करके आपको यहाँ पर इसका जो सैचुरेशन है वो -100% कर देना है, वाइब्रेंस 1 ही रहने दीजिए। तो ये करने के बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद फिर से एक बार मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है और तीन नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करके इस इमेज को थोड़ा सा जूम कर लेना है, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को थोड़ा सा जूम कर लेना है। एक करने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको फिर से एक बार बैक आना होगा और प्लस के आइकन पे क्लिक करके इस वाले शेप को आपको रेक्टेंगल शेप को ऐड कर देना है। इसको ऐड करने के बाद दोस्तों आपको इसको एंड टाइम तक करना होगा। तो एंड टाइम तक करने के लिए आपको एंड में आना है और इस वाले बटन पर क्लिक करके इसको पूरे स्टेटस में लगा देना है। तो ये करने के बाद दोस्तों आपको जाना है एडिट शेप में। एडिट शेप में जाकर इसकी साइज़ आपको 1250 रख देने है ऊपर वाली साइज़। तो मैं ऊपर वाली साइज़ 1250 रख देता हूँ। और नीचे वाले आपको 290 रख देने हैं। यह प्रोसेस करने के बाद दोस्तों आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है, दो नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करके 30° एंगल आपको इसमें एडजस्ट कर देना है। 30° एंगल एडजस्ट करने के बाद एक नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको इसको ऊपर ले लेना है। सबसे पहले इधर ऊपर लेकर आपको यहाँ पर प्लस के वाले बटन पर क्लिक करना है, इसमें एक मार्क लगा देना है और एंड में भी आपको एक मार्क लगा देना है। एंड में मार्क लगा देना, आपको मिडल में आना है 14-15 सेकंड तक आ जाइए और उसके बाद आपको इसको इस तरह से नीचे खींचते रहना है। इस तरह से मैं इसको मूव कर रहा हूँ, इस तरह से आपको इसको मूव करते रहना है। तो इस तरह से मूव करने के बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको दो लेयर मिल जाएगी, ए वाले हमने जो सेप ऐड किया था उस वाले लेयर को सिलेक्ट कर देना है और जो हमने हमारी ब्लैक 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 एंड व्हाइट इमेज है उस वाले इमेज को सिलेक्ट करके आपको इस इधर दो नंबर वाला मास्क का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके इसको मास्क कर देना है। तो ये करने के बाद दोस्तों ये देखिए ये ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है। दोस्तों इसके बाद आपको मास्क जो हमने किया था दोनों को उस पर क्लिक करना है। आपको बॉर्डर एंड शैडो में जाना है, दो नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर शैडो वाले शैडो इनेबल करके साइज़ ऊपर वाले है उसको 11 रख देना है। तो साइज़ 11 रखने के बाद आपको नीचे जाना है पोजिशन में और पोजिशन है तो ऊपर वाली 0 और नीचे वाले भी 0 कर देना है। तो ये करने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों
आपको मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए ये ब्लैक एंड वाइट हो चुका है दोस्तों। अगर आप इसमें ऐड नहीं होगा, शूट नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इस वाले मास्क वाले पे क्लिक कर देना है और इस तरह से आपको थोड़ा सा नीचे ला, तो मास्क वाले पे क्लिक करके इसको प्ले करना है। सबसे पहले इसको एडजस्ट करने के लिए क्या करना है आपको मैं बता देता हूँ। तो ये देखिए अब आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से, जहाँ पर मूव है वहाँ पर। अब देखिए ये एडजस्ट हो चुका है। तो देखिए दोस्तों काफ़ी कमाल का ये ब्लैक एंड व्हाइट डुअल कलर में यहाँ पर वीडियो लग चुका है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर इनेबल कर दीजिए। दोस्तों ऐसे बेहतरीन स्टेटस एडिटिंग हमारे चैनल पर आते रहते हैं। मिलते हैं एक और ऐसे ही बेहतरीन स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए और टेक्नोजय साइनिंग ऑफ।